सोनोटेक कैसेट्स। मेरे काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के कारण मैं पूजा करूं हमेश। सेवक गुरु से विनती करता है, हे महाराज, एक वर्ष तक चातक पपीहा भीमलाज से कहते हैं तपस्या करता है, बारिश की पहली बूंद जो उसकी चोंच में गिरती है, अगर उसकी चोंच में गिर जाए तो उसे सुकून आ जाता है, अगर सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख के अंदर अगर गिरती है तो मणि बन जाती है। हे गुरुदेव, वो जो अमृत है आपका, क्या आप उस अमृत को मुझे नहीं चखा सकते? जैसा भी कैसा हूं मैं आपका सेवक हूं। हे गुरुदेव, मेरे लिए क्या एक बूंद भी नहीं है? और किस प्रकार से सेवक क्या अरदास करता है, गुरु से क्या लिखा है? मैं प्यासा पपीहा हूं, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। एक जल की बूंद पिला, मुझे जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद पिला। मैं प्यासा पपीहा हूँ, गुरु जल की बूंद।
मेरी अंधी आँखें देखवा तू ही अंधी माया का फूल सुगंधी जिसे देख आंख हुई अंधी तुम इसे बना दो बंदी तुम इसे बना दो बंदी सत्संग का फूल खिला मैं प्यासा पपीहा हूँ गुरु जल की बूंद पिला मैं प्यासा पपीहा हूँ गुरु जल की बूंद पिला तुम्हारा
फिरती है मुरझाई। मैया को पकड़े उबारो गुर मेरे पे कर डाई, कहीं खारी ना हो जाए इस जग में लोग हसाई। मैया को पकड़े उबारो को मेरी तो क्या हस्ती है, लख चौरासी क्षण में काट दे गुरु की ऐसी कश्ती है। सिकंदर लोदी को भी अनगिन बरिया माफ किया, पीपा कबीर को ना जाते तुमने अमृत का दान दिया। भैया को पकड़े उभारो गुरु मेरे पे
करे करड़ाई, कहीं थारी ना हो जाए जिस जग में लोग हसाई। भैया को पकड़े उभारो गुरु मेरे पे करड़ाई, कहीं थारी ना हो जाए जिस जग में लोग हसाई। भैया को पकड़े प्रेमी भक्तों, रविदास जी ने भी सतगुरु महाराज से कुछ मांगा है, क्योंकि संत के अंदर शीलता होती है और उसका शीलता ही सबसे बड़ा हथियार होता है। हम तो सतगुरु महाराज की प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन स्वयं रविदास जी सतगुरु महाराज से कहते हैं कि स्वामी दया करो। क्या लिख दिया अपनी वाणी के द्वारा, जरा सुनिए। सतगुरु स्वामी जी तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी। हे सतगुरु स्वामी जी मेरे अंतर्यामी जी, तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी। तुम दया करो महाराज मेरे सतगुरु स्वामी जी।
विनती की बात आती है। लिखा है एक जगह कि संकट में हिरणी गुरु का नाम पुकारे, क्योंकि पहचानने की देरी होती है। जानवर भी आवाज बोलते हैं लेकिन उसे समझने वाला चाहिए। एक बार की बात, जब लहरतारा तालाब पे एक शिकारी एक हिरनी को घेर के खड़ा हो जाता है, हिरनी रोने लगती है कि शिकारी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दे। लेकिन लाख विनती करने के बाद शिकारी नहीं मानता। रविदार जी इस मंजर को देखते रहते हैं, हिरनी पे दया आ जाती है। शिकारी को कहते हैं कि शिकारी इस हिरनी को छोड़ दे, जब ये बच्चे को दूध पिला के वापस आ जाए तो इसकी जान ले लेना, अगर ये वापस ना आए तो मेरी जान ले। इतनी सुन के शिकारी हिरनी को छोड़ देता है। हिरनी जब बच्चों को दूध पिलाने के लिए जाती है, बच्चे दूध पीते हैं तो हिरनी रोती रहती है। बच्चे पूछते हैं कि माँ क्यों रो रही हो, हिरनी बताती है कि बेटा मेरा जीवन आज ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा संसार में कोई नहीं रहेगा। मां को ममता तो होती है लेकिन बच्चे को मां से बड़ा प्यार होता है। मां के प्रति भावुक हो जाते हैं बच्चे कि मां जिस संत ने तुझे यहां भेजा है हम उसी से विनती करेंगे, शायद वो आपकी विनती सुनकर और आपकी जान को बख्शते। तो बच्चे जाके गुरु रविदास जी से विनती करते हैं। क्या लिखा, देखो देखो ये बच्चे दुखी तंग इनका हाल, गुरु के द्वार पे विश्वास लेके आए हैं। नहीं जाता दर से खाली कोई, यही सोच के एक आस लेके आए हैं। खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के, मैया की आंखों से नीर बह रहा है, मैया की आंखों से नीर बह रहा है। खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के, मैया की आंखों से नीर बह रहा है, मैया की आंखों से नीर बह रहा है। काप भी रही है मैया आहें भरती भरती, हाँ काप भी रही है मैया आहें भरती भरती। वो पल पल में विनती करे डरती डरती, काप भी रही है आहें भरती भरती, हो हो हो। वो पल पल में विनती करे डरती डरती, काप भी रही है भरती भरती, हाँ काप भी रही है मैया आए भरती भरती। एक बार गुरुवर शिकारी से कह दो, माँ की तरफ वो चला रहा है, माँ की तरफ वो चला रहा है। चढ़ा के मैया के
सिवाब हमारा न कोई हाल, तुम्हारे सिवाय अब हमारा न कोई। आज छोटे छोटे बच्चे सहारा न कोई, तुम्हारे सिवा न हमारा है कोई। ओ, 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 छोटे छोटे बच्चे सहारा न कोई, तुम्हारे सिवाय अब हमारा न कोई। हाँ, तुम्हारे सिवाय अब हमारा न कोई। करे ना सहाय कोई और आके, हम क्या हमारा दिल कह रहा है, हम क्या हमारा दिल कह रहा है। खड़ा है शिकारी सिर को चढ़ा के, मैया की आंखों से नीर बह रहा है, मैया की आंखों से नीर बह रहा है। नहीं गुरुवर हमारी आंख से, हमारे जिगर का लहू बह रहा है, हमारे जिगर का लहू बह रहा है। खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के, मैया की आंखों से नीर बह रहा है, मैया की आंखों से शरण में कब से पड़ा है, दुखों की कहानी अब कह रहा है। हाँ, दुखों की कहानी अब कह रहा है। खड़ा है शिकारी तीर को चढ़ा के, मैया के आंखों से नीर बह रहा है, मैया के आंखों से नीर बह रहा है। पास में सौदा तो होता है लेकिन थोड़ा
देर से देते हैं। गुरु जी कहते हैं बच्चों को कि बच्चों शिकारी के पास जाओ, ये जो पत्थर दिल कत्ल इंसान तुम्हारी मां की जान लेने के लिए तुला हुआ है, हो सके कि इसका दिल आपकी बातों से पिघल जाए। और वह नन्हे नन्हे बच्चे हिरनी के शिकारी के पास में जाते हैं और रो रो के कैसे विनती करते हैं, क्या लिखा है, बदले में हम तैयार हैं मर जाने
जाने को। जवाब देता है कि संत जी, ये तो मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, मैं तो इसके लिए काम करता हूं और सिकंदर बादशाह के लिए। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो सिकंदर बादशाह मुझे खत्म कर देगा। लेकिन आप कहते हैं कि गाय को काटना बंद कर दो, ये मैं नहीं मानता। हां, मान सकता हूं कि मैंने जितनी गाय को जीवा कर रखा है, अगर आप इन्हें जीवित कर दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। तो कैसे महाराज रविदास जी कहते हैं कि आज के बाद पटना तुम गाय नहीं काटोगे, कैसे? सवाल जवाब होते हैं, सुनिए जरा। करिए तू देखभाल के, कौन मुझे तू रोकण वाला, कौन मुझे तू रोकण वाला। ज्यादा करे नायंगाई, सूली पे चढ़ा दे दिन घोड़ी, जरा बच के रहिए बादशाह के चाल से। सूली पे चढ़ा दे दिन धोड़ी, जरा बच के रहिए बादशाह के चाल से। हाँ,
पीवे रे इनकी दही रे जमावे घी वे बसंता सदना खूब रे खावे वे घी और दूध का मत जिक्र चलावे इनसे बच्चे मेरे रोटी खावे इनसे बच्चे मेरे रोटी खावे बच के रहिए बादशाह के चाल से सोता पड़ेगा बड़ा महंगा अब खून करिए तू देखभाल कर दी है गाय मैंने इनको जीवानी गाय जीवित होंगी करे गुरु मेहरबानी छोड़नी पड़ेगी रे सदना कत्ल कहानी छोड़नी पड़ेगी रे सदना कत्ल कहानी चाल से सोता पड़ेगा बड़ा महंगा अब खून करिए तो देखभाल कर बादशाह सिकंदर मुझे जिंदा छोड़ मत ना बादशाह सिकंदर मुझे जिंदा छोड़ मत ना बच के रहिए बादशाह की चाल से सोता पड़ेगा बड़ा महंगा अब खून करिए तो देखभाल कर कटारे अब डाल दी है तेरे हम हैं भिकारी तुम दाता हो मेरे कटेंगे रे फंदे अब 84 के तेरे नाम पे डट जा कट जा पाप सब तेरे नाम पे डट जा कट जा पाप सब तेरे तू देखभाल कर।
तू देख भाल के। चोरी और जारी और मस्करी में भी झूठ ना बोलता हो वो पक्का दीन मुसलमान होता है। यही बात सदना सिकंदर के सामने रखता है, क्योंकि गुरु मंत्र लेने के बाद सदना गुरु की भाषा बोलता है। सिकंदर कैसे धिक्कारता है, बात सुन सदना रे, पड़े तुझे मरना रे, जावेगा कहां बच के, जावेगा कहां। बात सुन सदना रे, पड़ेगा मरना रे, जावेगा कहां बच के, जावेगा कहां। ओ पाप नहीं करना है भले ही मरना है, पाप नहीं करना है भले ही मरना है। गुरु का कहा माने, गुरु का कहा। सत ही अगत में गुरु रवि
कष्ट खाना होगा, बुलाऊं यहाँ उसको, बुलाऊं यहाँ। बात सुन सजना रे, पड़ेगा मरना रे, जावेगा कहाँ बच के, जावेगा कहाँ। करना है कर ले, तू मन चाही कर ले, जो करना है कर ले, भरेगा यहाँ तू।